जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौफीक, कैमरामैन मुजफ्फर शेख के साथ ताज मीडिया नागपुर। अभी हम आ चुके हैं, पहले भी सुबह आपको वीडियो तो आपने देख ही चुके हैं सुबह का। अभी हम आ चुकी है सुभाष पुतला चौक और यहाँ अभी हम मौजूद है नौजवान आने तंजीम अल्लाहू अकबर कमेटी के साथ और अभी हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। इन्होंने डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा किया है, गेट आपने देख चुके हैं कि गेट भी बनाया है, डेकोरेशन भी किया है, लेकिन जो यहाँ पे जो स्टॉल लगते हैं वो स्टॉल नहीं लगे कोविड को ध्यान रखते हुए। यहाँ पे कमेटी हमारी सब मौजूद है, कमेटी के कुछ जो मेन अध्यक्ष हैं अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका क्या कहना है और वो इस कोविड को ध्यान में रखते हुए जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हाजी शेख नवाब असलम जो यहाँ के कमेटी के मेन अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, ये आप जितना भी इंतज़ाम है ये आप कितने साल से कर रहे हो? सर, आपको पुलिस प्रशासन की ओर से क्या सहयोग मिला और किस तरीके आपको किस किन किन चीज़ों की परमिशन दी गई और नहीं दी गई, उस बारे में कुछ आपको बताइए। तो सर, जैसे कोविड है, लॉकडाउन था, उसके बाद में काफ़ी लोगों का फाइनेंशियली काफ़ी तकलीफ हुई, तो उस चक्कर में आपकी कमेटी को या डेकोरेशन को उस तरीके का कोई इफेक्ट? सर, ये कोविड को ध्यान में रखते हुए जश्न ईद मिलाद के मौके पर आप हमारे चैनल के माध्यम से और भी जनता को क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे वो कुछ सीखे या ऐसे कुछ बात बताना चाहेंगे आप? एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रसारण हो रहा है महाराज गवर्नमेंट और नागपुर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसका आप अपना जितनी भी कौन से गुजारिश करता हूँ कि वो सहयोग करें और इसको फॉलो करें और इसको अंजाम दें, सहयोग करें। हाँ, जैसे कि कमेटी का नाम है नौजवान आने तंजीम अल्लाहू अकबर, तो यहाँ के नौजवानों से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे ही पूछेंगे कि पैगंबर इस्लाम के आमद के दिन और जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन इन लोगों में किस तरीके का उत्साह है, उमंग है और ये क्या कहना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को। तो अभी हम बात करेंगे जाहिद खान साहब से। जाहिद खान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कोविड के लिए और ईद मिलादुन नबी के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा आपको, तो आज का जो चिंता जश्न ईद मिलादुन नबी, ये सारी ईदों की ईद है। हम जितनी भी ईद मनाते हैं सारी ईद हम वो इसी ईद के सदके में मिली है। यह मुसलमानों के लिए, खासकर सुन्नी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद है। और जहाँ तक मसला है कोविड का, तो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमने ईद की खुशियाँ मनाई, सजावट की, सारी चीज़ें की, लेकिन प्रशासन का भी ख्याल रखा। जहाँ अजमा बहुत ज़्यादा था वहाँ हमने उसको कम करने की कोशिश की और जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम है, जो उनके पैगाम को आम करने की कोशिश की, जिस तरीके से उनका पहला पैगाम ये है कि भूखों को खाना खिलाओ, तो आज इस दिन पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएं, दूसरे गरीबों की मदद करें, उस चीज़ में आप देख सकते हो। और जहाँ तक ये सजावट की बात है, बहुत सारी इसमें रुकावटें थी सजावट करने में, लेकिन यहाँ की पुलिस ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कोविड को भी ध्यान में रखते हुए, तो हमने ये सजावटें की है और ये आप सजावट देख सकते हैं इस तरीके से हमने आज उसकी। तो ये जो यहाँ पर गेट बनता था जो कि अभी बहुत छोटा बना है, और वो क्यों ऐसा, मतलब यहाँ गेट बड़ा क्यों नहीं बना गया? परमिशन का कुछ इशू था या आप कंस्ट्रक्शन को देखते हुए किस तरीके से? इस तरीके से था क्योंकि कैसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि किस तरीके से करना है, करके हमको
परमिशंस के रिगार्डिंग भी सोचना था कि प्रशासन की परमिशंस है या अगर हम बिना परमिशन के कुछ करने बैठे तो प्रशासन हमको आगे रोक दे। तो ये मसले के अंदर मैं काफ़ी सारा वक्त लगा, लेकिन हमको दो दिन जस्ट पहले मालूम पड़ा कि पुलिस हल्का फुल्का मतलब हमारे फेवर में है, परमिशन अपनी तरफ से दिया कि आप कर सकते हैं। जो हम दो दिन में कर सकते थे हमने तैयार करके दिया। दो दिन में इन्होंने बहुत ही प्यार और खूबसूरत गेट आपने पहले देख चुके हैं, जो मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ, बहुत ही प्यार और खूबसूरत गेट बना हुआ है। थोड़ी आजू बाजू में साइड में लाइटिंग जो भी लगाई गई है बहुत खूबसूरत लगाया है। और ये थी हमारी तंजीम नौजवाना ने कमेटी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की। एक हमारे हुसैन सर हमसे जुड़े, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक, कैमरामैन मुजफ्फर शेख के साथ ताज मीडिया नागपुर।